हम तुम्हारी शर्टों पे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। अरे भाई, बेटी के लिए कौन मन से मांगता है। इधर दिखाओ पैसे। अनान्या शनाया इतना खा के क्या करेंगी। सियान के टिफिन में डाल देती हूँ। आखिर लड़का है, अच्छी डाइट मिलनी तो जरूरी है। इनके लिए इतना ही बहुत है। मामा, मेरी स्कूल शर्ट बहुत टाइट हो रही है, फिट ही नहीं हो रही, प्लीज न्यू ले दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शनाया। हम तुम्हारी शर्टों पे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम लड़की हो, एडजस्ट करना सीखो। अरे पापा, क्या हो गया शनाया। हर चीज में पापा को शिकायत लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम। अरे क्या हो गया पुनीत, तुम सारा दिन लड़कियों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। रमी, आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो अपने आप को इतना ब्लेस समझती हूँ कि भगवान ने मुझे एक लड़का दिया है, और इस सोसाइटी में माँ की इज्जत ही नहीं होती जब तक लड़का ना हो। तुम भी हद करती हो पुनीत। Later. ये टूट गया। ये किसने तोड़ा। सियान ने। सियान से। सॉरी मामा। बेटा सियान, आप सॉरी थोड़ी ना बोलोगे। बेटा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। सियान थोड़ी ना सॉरी बोलेगा। अगर पापा ने पूछा तो पापा को ये कोई नहीं बताएगा कि ये सियान से टूटा है। हम बोल देंगे कि अनान्या से टूट गया। मम्मा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सियान ने तोड़ा है। पर मम्मा, ये तो मैंने तोड़ा है। ओहो, मैं कह रही हूँ पापा को बोलेंगे कि अनान्या ने तोड़ा है। मम्मा, पर मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे फालतू में डांट पिट जाएगी। तो खा लेना थोड़ी सी डांट, तो क्या हो गया। बस सियान को डांटनी पिटनी चाहिए ना बेटा। Later. दीदी, आपको बुरा लग रहा है ना। जो डांट सियान को पढ़नी चाहिए थी वो आपको पढ़ गई। बुरा तो लग रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, अब आदत पड़ चुकी है। मम्मा हमेशा पापा के सामने यही शोक करने की कोशिश करती है कि हम दोनों गलत और सियान हमेशा सही होता है। हे भगवान, इतना लेट हो गया, ये पापा अभी तक आया क्यों नहीं। इतना काम बाकी है, कब आएगा, कब शुरू करेगा काम। वान, शुक्र है। पवन, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। भाभी, वो मैं मंदिर गया था। अरे भाई, इतना काम पड़ा है ना। वो भाभी, मेरा बच्चा होने वाला। अच्छा, तो बेटे की मन्नत मांगने गए थे। हाँ भाई, इन बेटों के लिए तो बहुत दुआएं करनी पड़ती हैं। मैंने भी बहुत मन्नतें मांगी थी, तब जाके मेरा बेटा हुआ था। भाभी, मैं मन्नत मांगने गया था कि मेरे घर में प्यारी सी बेटी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। नहीं भाभी, वो मुझे सच में बेटी ही चाहिए। अरे भाई, बेटी के लिए कौन मन्नतें मांगता है। तुम्हारे सर पे कोई चोट आई है मुझे लगता है। अरे कमाल करती हो पुनीत, ये भला इंसान अपनी एक बेटी के लिए दुआ नहीं कर सकता क्या। बेटा और बेटी में फर्क ही क्या होता है। रमनी, आप ना बस रहने ही दो, आप बेटा बेटी को बराबर नहीं रख सकते। दोनों में बहुत फर्क है, कहाँ बेटा और कहाँ बेटी। भगवान, लोग ठीक कहते हैं, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम बेटा बेटी में फर्क इतना ज्यादा क्यों करती हो। द नेक्स्ट डे। पापा। हाँ बच्चों। हमें ट्यूशन के पैसे चाहिए। ट्यूशन के पैसे। कितने पैसे चाहिए। 5,000। 5,000? अरे क्या जरूरत है ट्यूशन जाने की, तुम दोनों खुद से नहीं पढ़ सकती। अरे ये क्या बात हुई पुनीत, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई डाउट होगा तो किससे पूछेंगे। तुम भी ना बस। ये
ये लो बच्चों ट्यूशन के पैसे। थैंक यू पापा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ओके ओके। इधर दिखाओ पैसे। अब यही दिन बाकी रह गया था कि हम तुम दोनों को इतनी महंगी ट्यूशन में पढ़ाएं। मामा ये पैसे पापा हमको देकर गए हैं। हम पापा को बता देंगे कि आपने हमसे पैसे छीन लिए थे। अगर पापा को किसी ने कुछ भी बताया तो वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। हे भगवान मुझे बेटी ही देना, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा। हे तान्या, क्या तू मुझे साइंस का चैप्टर 4 पढ़ा देगी? यार मेरी तो अभी ट्यूशन क्लास है। हेलो जिया, मुझे साइंस का चैप्टर 4 समझा देगी प्लीज? यार मैं तो डांस क्लास में हूँ। क्या हुआ दीदी? सुनाया, मेरे को साइंस के चैप्टर 4 में बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड से भी पूछ लूं, पर वो सारे के सारे ही बिजी हैं। मेरी फ्रेंड है स्वाति, उसकी मम्मा एक साइंस टीचर है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी मम्मा से बोले कि आपके डाउट्स क्लियर कर दे। हाँ सुनाया प्लीज। हेलो, फालतू में इतने सारे पैसे बर्बाद हो जाते, इतनी महंगी ट्यूशन करनी है। अब इन पैसों से मैं सियान को कुछ ले दूंगी। मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैं अपने राजकुमार को ही तो याद कर रही थी। मम्मा आप मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार ले दोगे क्या? ओहो बेटा जी, आपको लास्ट मंथ ही तो लेकर दी थी। मैं उससे बोर हो गया हूँ। चल ले दूंगी, मगर पापा को मत बताइए कि मैंने लेकर दी है। ओके मम्मा। ये सब क्या हो रहा है पुनी? मैंने सब सुन लिया है। तुम इस छोटे से बच्चे को क्या समझा रही हो, क्या सिखाना चाह रही हो, क्या छुपाए वो अपने पापा से? तुम जाओ बेटा यहाँ से। okay. ये इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये मैंने सेव करे हुए थे। ये पैसे मैंने सेव करे हुए थे। पुनी तुम सुधर जाओ, ये सब ठीक नहीं हो रहा इस घर के अंदर। और हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए 2 दिन के बाहर जा रहा हूँ। पीछे से तीनों बच्चों का ध्यान रखना, तीनों मतलब तीनों बच्चों का ध्यान रखना। Later. तुम दोनों लड़कियां हो, अपनी हद में रहा करो। मम्मा वे राघव ने मुझे मारा, फिर हम दोनों ने उसे मिलके पीट दिया। उसकी मम्मी कंप्लेन कर रही है तुम दोनों के अगेंस्ट। वो कहती है ये मारपीट लड़कियों को शोभा देता है क्या? ऐसे उन्होंने नहीं आदि ने कहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ट्विन टेलीपैथी मिल्क शेक चैलेंज वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 फूडी पे। मैंने तो दोनों का टेस्ट किया, यम्मी लगा। मेरा ज्यादा अच्छा था। नहीं, हमारा ज्यादा अच्छा था। हमारा था। किसका अच्छा था देखने के लिए क्लिक किया। क्लिक 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 क्लिक। बहुत यम्मी वीडियो है। क्लिक क्लिक क्लिक।